आज हम लोग देखेंगे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने के कारण क्या हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे छोटे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज क्यों होता है, क्या कारण है, हमारे कौन सी गलतियों की वजह से हमारे बच्चों में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है और हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज की जो मॉडर्न लाइफ है जिसमें बच्चे सिर्फ जंक फूड खाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, ढंग से खाना नहीं खाते, ये सारे कारण होता है बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के लेवल इंक्रीज होने का। क्योंकि जो जंक फूड होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सॉल्ट एंड ऑयल पाया जाता है, जो कि बच्चों के हार्ट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। धीरे धीरे उनके बचपन से ही अगर हम उनको जंक फूड का आदि लगा देंगे तो वो आगे जा करके हार्ट डिजीज होने के शिकार हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, क्या कारण होता है बच्चे में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने का। तो सबसे पहली बात, हम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को डेली शाम को इवनिंग में स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बाहर के स्नैक्स, मोमोस हो गए, चौमिन हो गए, पास्ता हो गए, पिज्जा हो गए और अदर जो जंक फूड है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। जंक फूड में सबसे ज्यादा ऑयल और सॉल्ट पाया जाता है, जो कि हम बच्चों को इजिली खाने के लिए दे देते हैं। बच्चे अगर जिद करते हैं तो भी हम उनको खाने दे ही देते हैं, तो ये पेरेंट्स की गलती है। सेकंड थिंग, बच्चे आजकल जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बच्चे बाहर खेलने की बजाय घर पे ही इंडोर गेम में लगे रहते हैं। इंडोर गेम सिर्फ घर पे ही गेम खेलेंगे, आइदर वो चेस हो गया, कैरम बोर्ड और अदर थिंग्स है, ये सारे गेम्स ही खेलने में इन्वॉल्व रहते हैं। अगर बच्चे इंडोर गेम्स में ही इन्वॉल्व रहेंगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से उनके ब्लड के सर्कुलेशन, रेगुलेशन ये सब रुक जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होते जाता है धीरे धीरे धीरे, और बड़े होते ही उनको हाई कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना हो जाती है। तीसरा कारण है इंक्रीज वेट, क्योंकि हम अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते कि आप बाहर जाके खेलिए, बाहर जाके गेम्स खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, रेसिंग हो गया, हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते कि आप ये खेलो, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चे के जो वेट है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि छोटे से एज में बच्चों का वेट बहुत इंक्रीज हो जाता है, वो ओबेस हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने का। चौथा कारण है, मोस्ट इफेक्टिव कारण, फैमिलियल हिस्ट्री। आजकल के बच्चे हैं वो ओबेस होते जा रहे हैं, ओबेस होने का कारण है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर बच्चे के माता पिता भी ओबेस हैं, मोटे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो जो बच्चा है वो भी आगे जाकर के हट्टा कट्टा और मोटा होता है, क्योंकि वो फैमिलियल हिस्ट्री है। तो फैमिलियल हिस्ट्री भी एक कारण है बच्चों का इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल होने का, क्योंकि अगर माता पिता का कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है तो आगे जाके फ्यूचर में बच्चे का भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज पाया जाएगा। तो ये सब कारण है बच्चों में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने का। आइए हम जानते हैं कुछ छोटे मोटे प्रिवेंशन जिससे हम बच सकते हैं बच्चों में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कराने के लिए। तो सबसे पहला है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले जंक फूड अवॉइड करिए, जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है। आप अपने हाथों से बने हुए खाने दीजिए, खाना बना के दीजिए, ताकि वो आपके हाथों से बने हुए खाना में कम मात्रा में सॉल्ट, कम मात्रा में ऑयल रहेगा, बच्चों को कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होने से बचा सकते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए, बाहर आउटडोर गेम्स खेलने के लिए उनको इनकरेज करिए, मोटिवेट करिए। बाहर जितना वो आउटडोर गेम्स खेलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस रहेगा, क्योंकि उनके ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होंगे। नेक्स्ट है, फैमिलियल हिस्ट्री को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये नॉन मॉडिफाइबल थिंग्स है, तो आप उसको बच्चे को आप इनकरेज करके ही उनको डेली कुछ एक्सरसाइज दीजिए, कुछ ऐसा एक्टिविटी करने के लिए दीजिए, तो बच्चा उसमें मोटिवेट होकर के उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा और अपना वेट मेंटेन करेगा। आप अपने बच्चे को वेट मेंटेन करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, और जो भी एक्टिविटीज करवाएंगे वो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा एक्टिविटीज आपके बच्चों के लिए वेट रिड्यूस कर सकता है। तो ये सारे थे आज के टॉपिक में जिसमें हमने देखा कि बच्चों में कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।